नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस एनालिसिस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलसीसी इन्फोटेक के ऊपर। तो हम लोग जो है इन डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सभी सवालों के जवाब मिल जाए। फिर भी अगर कुछ सवाल आपके रह जाते हैं तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपने सवाल को जरूर लिख सकते हैं, वहां पे हम लोग कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब दे दे। साथ ही साथ जो है आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको लेवल्स भी पता चल जाए, जो किस लेवल पे आपको ट्रेड करना है, क्या आपका स्टॉप लॉस होने वाला है और किस टारगेट के लिए जो है हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। हम लोग बिल्कुल टेक्निकल बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को टेक्निकली सारी जानकारी मिलेगी। तो इसलिए जो है आप लोग बिना स्किप किए ही इस वीडियो को देखना, जिससे कि आपको भी काफी मदद मिलेगी। तो चलिए अब जो है हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं आपको एलसीसी इन्फोटेक का जो है यहाँ पे हम लोग के सामने वीकली चार्ट खुला हुआ है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो आपको कंटिन्यू वन वे यहाँ पे जो है नीचे की साइड स्टॉक आ रहा था, फिर यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम पुल बैक हुआ, फिर से यहाँ पे आपको सेलर्स आए। लेकिन यहाँ पे जब एक चीज आप नोटिस कीजिएगा, जब यहाँ पे सेकेंड टाइम आपको सेलर्स आए तो ये स्टॉक को नीचे नहीं ले जा पाए। यहाँ पे आपको 1.50 रुपीज के नीचे का जो यहाँ पे लो लगा हुआ था, इस लो को इन्होंने ब्रेक नहीं किया, फिर जो है स्टॉक यहाँ पे आपको हाई को ब्रेक कर दिया, फिर एक रिट्रेसमेंट आया। लेकिन इस बार ये लो डिफेंड हो गया, जो इससे प्रीवियस लो था ये लो आपको यहाँ पे डिफेंड हो गया, और फिर स्टॉक में जो है आपको एक अच्छी तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। कंटिन्यू जो है स्टॉक अपने हायर सर्किट को लगा रहा है और कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। हम लोग अगर देखेंगे तो एक जो है स्टॉक आपको एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, इस रेंज को इसने ब्रेक किया है 3 रुपीज के पास। अब जो है यहाँ पे आपको स्टॉक ऑलमोस्ट इस प्राइस से डबल हो चुका है, तो इसलिए इस स्टॉक को अब आप लोग जो है जरूर अपने नजर रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, क्योंकि ये अपने आपको रेसिस्टेंस लेवल को यहाँ पे जो है हिट करने वाला है, और ये वन साइडेड मूव है। अगर आप यहाँ से देखेंगे 2 रुपीज से 5 रुपीज का वन साइडेड मूव है, तो अब यहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट दिख सकता है, लेकिन ये रिट्रेसमेंट आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पे जो है कंटिन्यू जब सर्किट लगता है तो आप यहाँ पे बाई नहीं कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे डेली चार्ट में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे कंटिन्यू सर्किट लग के ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको कब मिलेगा, जब आप यहाँ पे नीचे की साइड रिट्रेस बैक होगा, जहां पे लोअर सर्किट लगेगा, और उसके बाद जब ऊपर मोमेंटम होगा तब आपको यहाँ पे जो है प्रॉफिट होने वाला है, और यहाँ पे जो है आपको जब कैप्चर आपको तब करना है जब ये यहाँ पे डाउनसाइड मूव दे रहा है, यहाँ पे आपको जो है अपना पोजीशन बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस पता है जो किस लेवल के नीचे जो है आपको यहाँ पे इस स्टॉक से निकलना है। तो उसके ऊपर अगर ये रिट्रेसमेंट दे रहा है तो वो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है, आप यहाँ पे पोजिशन जो है बना सकते हैं। तो इसलिए इस स्टॉक पे जो है आप लोग का नजर जरूर रखना चाहिए। एक आईटी सेक्टर की कंपनी है और अभी ये पेनी स्टॉक है, लेकिन आगे जो है आपको एक अच्छा यहाँ पे रैली देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक तो आपको फ्रेश ब्रेकआउट है और यहाँ पे जो है एक अच्छा बाइंग मोमेंटम नीचे के लेवल से हम लोग को क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। और वॉल्यूम को भी अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें, हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम को थोड़ा सा अगर एनालाइज करेंगे तो वॉल्यूम में भी हम लोगों को यहाँ पे जो है कंटिन्यू ग्रोथ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन अब देखिए अभी यहाँ पे ज्यादा लोगों को यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि कंटिन्यू अपर सर्किट लग रहा है। एक बार फिर से अगर लोअर सर्किट लगेगा तो उसके बाद जो है ये स्टॉक आपको 10 रुपए के ऊपर इजीली यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक पे आप लोग जो है जरूर नजर बना के रखिए। जो लोग नीचे से आपको होल्ड कर रहे हैं, कंटिन्यू होल्ड करके रख सकते हैं, आप जो है बिल्कुल रिस्क फ्री जोन में हैं। क्योंकि एक चीज आप यहां पे समझिए, अगर इस स्टॉक को नीचे जाना है तो पहले इसको जो है आपको इस लेवल को ब्रेक करना होगा। तो आप जो है यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस 1.70 रुपीज के आसपास जो है लगा के रखिए। अगर इसके नीचे जाता है तो आप स्टॉक को निकाल दीजिए, लेकिन इसके ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है आप जो है यहाँ पे एक अच्छा पोजीशन होल्ड करके रख सकते हैं। क्योंकि यहाँ से जब जिन लोगों ने भी आपको यहाँ से एक मोमेंटम कंटिन्यू किया है, वो लोग जो है आपको नहीं चाहेंगे जो इस प्राइस के नीचे जाए, तो वो लोग इसको यहाँ से ऊपर ही रखने का कोशिश करेंगे। और एक बार अपने इस हाई को अगर ब्रेक करेगा तो फिर जो है यहाँ पे और अच्छा मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे जो है इसने अपने आज का अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसने अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर जो है यहाँ पे आपको अभी एक रेसिस्टेंस है, इस लेवल पे
जो है आपको एक रेसिस्टेंस मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑल टाइम हाई है, तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस मिल सकता है। इस लेवल के ऊपर अगर निकलेगा तो फिर जो है आपको यहाँ पे अच्छा मोमेंटम आ सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वन वे रैली हुआ है, 90 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे रैली हुआ है, अपने रेसिस्टेंस को फर्स्ट टाइम हिट करेगा तो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर जरूर आ सकता है, उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट देगा तो फिर आपको यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर लोअर सर्किट में आप लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो यहाँ पे डेफिनेटली आप लोग को बाई करना चाहिए। स्टॉप लॉस मैंने बता दिया है, आपका रिस्क मैक्सिमम यहाँ पे 3 रुपीज का होने वाला है। टारगेट आपके पास जो है अनलिमिटेड है, यहाँ पे 20, 50, 100 तक का टारगेट आपको इजीली मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों के सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।